सभी लोग को आज का जो संडे है, ये संडे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। दोस्तों ज्यादा बात नहीं करते हुए सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जैसे नायक साहब ने बताया, प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा महत्व होता है। या जितने भी वर्ल्ड वाइड टॉप की कंपनियां है, ये सभी प्रोडक्ट में ही आज वो आगे आ चुकी है। तो नेटसब भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। हमने जो प्रोडक्ट बनाए ये लोगों के जरूरत के प्रोडक्ट बनाए हैं। अभी जरूरत तो लोगों की अलग अलग होती है और ये अलग अलग जरूरत के हिसाब से जो प्रोडक्ट बने उसके हमें बेहतरीन परिणाम भी यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट जब लोगों को बताते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं होता है या नॉलेज की कमी की वजह से ये बताने में हिचकिचाहट हो जाती है। तो इसीलिए आज हम लोग ऐसे कुछ प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे, पूरे के पूरे प्रोडक्ट नहीं लेकिन हेल्थ केयर पर्सनल केयर के एक दो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे ज्यादा आज बात करने वाले हैं। तो आप सब तैयार है तो थम्स अप दिखा सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। तो गुड मॉर्निंग ऑल, शुरू कर देते हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमारा। मैं आपके सामने मेरा स्क्रीन को शेयर करता हूं। ओके नायक साहब, मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर, बराबर। यस सर, यस 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 यस। एक मिनट, मुझे पार्टिसिपेंट नहीं दिख रहे, एक ही मिनट। ओके तो शुरू करते हैं। तो सभी लोगों का आज के इस प्रोग्राम में मैं नेटसब की ओर से स्वागत करता हूं। सेहत, बरकत और मुस्कुराहट यह हर घर में होना चाहिए, यही विजन लेके नेटसब ने शुरुआत की है। तो दोस्तों प्रोडक्ट जो है, हमें सभी लोगों को, जितने भी डायरेक्ट सेलर हमारे हैं, इन्होंने अपने घर में ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक ये प्रोडक्ट मैं खुद नहीं यूज करूंगा तब तक मैं लोगों को प्रमोट नहीं कर पाता। या बहुत सारे लोग जब लोगों को प्रोडक्ट बताते तो ये खुद नहीं यूज करने की वजह से इनके चेहरे के ऊपर वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता है। देखो ये प्रोडक्ट यूज करके हमें जो एक्सपीरियंस होता है, ये जब लोगों के सामने बयां करते हैं, बोलते हैं, तब जाके लोग क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। इससे क्या होता है, सबसे पहला कि आपका कॉन्फिडेंस की वजह से सामने वाला प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, आपको उसमें आपको क्या मिलता है, आनंद मिलता है। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट परचेस करने की वजह से आपका रिटेल हो रहा है तो आपकी आमदनी भी बढ़ रही है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज सुबह की जो शुरुआत है हम लोगों ने, ये सभी लोगों ने की है डेंटल पेस्ट से। अगर अभी भी ये 528 लोगों में से कोई डेंटल पेस्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारा ये डेंटल पेस्ट क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं 100 साल पहले। हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी, इनके दांत हम लोग से बहुत बेहतरीन थे। ये सभी लोग जो है, ये अखरोट जैसी चीजें, कड़क चीजें भी दांतों से फोड़ सकते थे, तोड़ सकते थे, इतने मजबूत दांत होते थे। लेकिन आज की तारीख में हम क्या देख रहे कि दांतों की समस्या दिन बर दिन बढ़ते जा रहे। पुराने जमाने में डॉक्टर्स वगैरह डेंटिस्ट नहीं थे फिर भी लोगों के दांत अच्छे थे। लेकिन जब से डेंटिस्ट के सुझाया नंबर वन ब्रांड आने लगे हैं, तब से दांतों की समस्या बढ़ना शुरू हो गया। पुराने जमाने में इनकी एडवर्टाइजमेंट क्या होती थी कि नमक और कुदरीले पदार्थों दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज यही लोग जो है, हमारा आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक कंटेंट जो है, ये भी उनके टूथपेस्ट में भी अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ऐसा क्या चीजें थी कि पुराने जमाने के लोगों के दांत अच्छे थे? ठीक है, एक चीज आप देखिए, ध्यान में रखिए कि आप खुद को आईने में देखिए और एक इमेजिन कीजिए आईने में देख के कि अगर मेरे मुंह में दांत नहीं है तो मैं कैसे दिखूंगा। अगर किसी ने जोक किया तो क्या मैं सच में हंस पाऊंगा, क्या खुल के नहीं हंस पाऊंगा? तो ये तकलीफें आती है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या, मुंह में अगर दांत नहीं है तो खाना चबा नहीं सकते। खाना अच्छी तरह से नहीं चबाएंगे तो खाना हजम नहीं होगा। खाना हजम नहीं होगा तो खाने के अंदर से जो न्यूट्रिशन से ये हमारे शरीर को नहीं मिलने वाले। मतलब एक दांत जो है पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को खराब कर सकता है। तो यहाँ पे हमने जो डेंटल पेस्ट बनाया, इसके अंदर क्या है, तो आयुर्वेदा का हम लोग ने इस्तेमाल किया है। पुराने जमाने में
नीम के दातुन का इस्तेमाल होता, हमने नीम के एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया है, लौंग का इस्तेमाल किया है, लोदरा का इस्तेमाल किया है, एलोवेरा का इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से बेनिफिट क्या हो रहा है? तो नीम ये जो है एंटीबैक्टीरियल है, साथ ही साथ लौंग में क्या है तो हमारे दांतों में जो दर्द होता है ये दर्द निवारण की शक्ति इसमें है। एलोवेरा की वजह से क्या हो रहा है कि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं, अंदर के अल्सर जो है इसको ठीक होने के लिए भी फायदेमंद हो जाता है। साथ ही साथ हमारे मुख में जो हमारा सलाइवा है जो लाल बोलते हैं इसको बनाए रखने के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। मार्केट में जितने भी टूथपेस्ट है इसके बॉक्स के ऊपर लिखा है फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट है, 6 साल के बच्चों को बड़ों की निगरानी में दे दो, अगर कोई निगल लेता है तो यह जहर जैसा काम करता है। लेकिन हमारा जो टूथपेस्ट है आप ये छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को दे सकते हैं, 100% सेफ है और 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट के साथ ये बना हुआ है। साथ ही साथ ये प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्टिफाइड भी प्रोडक्ट हमारा है। दोस्तों इसके बेहतरीन रिजल्ट के लिए अगर दिन में 2 बार ब्रश करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट होगा। साथ ही साथ आप जब ब्रश करते हैं तो मुंह में जो भी सलाइवा तैयार हो जाता है जो थूक बोलते हैं हम लोग, इसको तुरंत थूकना नहीं है, 5 मिनट तक अंदर पूरी तरह से घुमाइए, तो आपको इससे क्या होगा जो बैक्टीरिया किल करने के लिए भी फायदेमंद होगा। हर कोने कोने तक हमारा टूथपेस्ट ये पहुंच जाएगा, दांतों में से ब्लीडिंग होता है उसको रोकने के लिए मदद होगी। साथ ही साथ मुंह में से मसूड़ों में से जो बदबू आती है उसकी रोकथाम करने के लिए भी बहुत बेहतरीन है। 3 महीना रेगुलर यूज करो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अगर रात के टाइम अगर यूज करते हो तो आप उंगलियों पे लेके अगर जेंटली मसाज करते हो पूरी तरह से तो आपके ये मसूड़े भी मजबूत करने के लिए बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद साबित होगा। आगे चल के हम लोग देखते हैं, आज ये कोरोना की वजह से एक नया अगर हम लोग देखते तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल हर घर में करना पड़ रहा है। हर व्यक्ति आज ये डर रहा है कि कई महीने हाथ लगाया तो मेरे हाथ में कोई जर्म्स या बैक्टीरिया या वायरस तो नहीं आया है, इसीलिए हम हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल हर 1 घंटे में कर रहे, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो हर व्यक्ति कर रहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड आज मार्केट में जो भी हैंड सैनिटाइजर अवेलेबल से इसकी विश्वासार्हता क्या है, क्या सच में ये जो हैंड सैनिटाइजर है ये हमारे हाथों की कोमलता को बनाए रखेंगे? आज इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जो भी उठता है वो सैनिटाइजर बना रहा है। क्यों? क्योंकि उनके बिजनेस सब बंद हो गए इसीलिए सैनिटाइजर में आ गए सभी लोग। अभी अल्कोहल का इस्तेमाल तो करना जरूरी है, ICMR से लेके सभी जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है इन्होंने गाइडलाइन जारी किया है कि हैंड सैनिटाइजर में मिनिमम 70% अल्कोहल होना जरूरी है। अभी ये अल्कोहल का इस्तेमाल अगर हाथों के ऊपर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, इसके साइड इफेक्ट होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेटसअप ने थोड़ा हर्बल हैंड वॉश दिख रहा है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, तो नेटसअप ने यहाँ पे जो हैंड सैनिटाइजर बनाया है ये भी 70% अल्कोहल से है, लेकिन इसके अंदर जो अल्कोहल यूज किया गया है ये हम लोगों ने नेचुरल तरीके से लिया है, डी नेचर अल्कोहल का इस्तेमाल इसके अंदर किया हुआ है जो बहुत महंगा भी आता है और बहुत क्वालिटी भी इसकी होती है। साथ ही साथ हमने नीम एंड तुलसी, जो आयुर्वेदा में नीम एंड तुलसी को एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है ये हमने सैनिटाइजर के अंदर यूज किए है। अभी इससे बेनिफिट क्या होगा, आपके हाथों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। जो लोग भी दिन में ज्यादा बार हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते ये लोग देखिए कि स्किन जो है पूरी ड्राई हो जाती है और यही केमिकल वापस ब्लड में इंजेक्ट होने का भी चांसेस होता है। लेकिन ये जो है हमारा इसके ऊपर प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्टिफाइड हैंड सैनिटाइजर है, यानी आयुर्वेदिक है तो साइड इफेक्ट नहीं होगा। साथ ही साथ हमने डी नेचर से अल्कोहल लेने की वजह से आपको जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट के उसके हिसाब से ये सैनिटाइजर पूरी तरह से काम करेगा, यानी हाथों की भी सुरक्षा होगी और जम्स और वायरस से भी हमारी सुरक्षा यहाँ पे 100% होने वाली है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि आज हैंड वॉश,
आज बाजार में अलग अलग तरीके से हैंड वॉश आ रहे हैं। आप ये हैंड वॉश से भी देखिए कि आपकी स्किन ड्राई होते जा रही है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा घातक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है फोमिंग एजेंट के तौर पे, और इसके अंदर प्रिजर्वेटिव का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमने जो यह हैंड वॉश बनाया है बहुत ही कम मात्रा का यूज करना होता है, साथ ही साथ इसके अंदर एलोवेरा है, तुलसी का इस्तेमाल किया है और 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट से यह हमने बनाया है, जो हाथों की कोमलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब क्या हो गया कि हाथ तो सफाई बराबर से हो जाएगी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट हमारे हाथों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा। तीसरा जो प्रोडक्ट हमारा है, और एक प्रोडक्ट रह गया इसमें ही हमारे किट में, एक जो प्रोडक्ट है यह है एंटीसेप्टिक टर्मरिक क्रीम, नीम एंटीसेप्टिक टर्मरिक क्रीम। यह जो क्रीम है जिसमें अंदर हल्दी उसके साथ नीम के एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया है, ये सभी हैंड वॉश होने के बाद अगर वो क्रीम का हम लोग हाथों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो हाथों की खूबसूरती बनाए रखने के साथ हाथ साफ मुलायम और बैक्टीरिया जर्म भी हमारे हाथ हो सकते। ऐसे ये तीन जो प्रोडक्ट है हमारे, ये हमारा हाइजीन किट में अभी आ रहे हैं। 785 रुपीज उसका MRP है। मुंबई गुजरात के हर एक स्टॉक पॉइंट में उसका बुकिंग स्टार्ट हो चुका है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका बुकिंग स्टार्ट हो गया है। ये लिमिटेड क्वांटिटी में अभी बना है, ये बेहतरीन प्रोडक्ट में से एक है। अगर ये प्रोडक्ट आपको चाहिए तो मैं आपको बोलता हूँ आज के आज बुकिंग कीजिए, क्योंकि ये बाद में मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा डिमांड होने की वजह से ये प्रोडक्ट शॉर्टेज में जाने के चांसेस है, क्योंकि नेचुरल हैंड वॉश, नेचुरल हैंड सैनिटाइजर आज मार्केट में किसी भी कंपनी के पास नहीं है, वी आर द फर्स्ट कंपनी। आगे चलते हम लोग आते हैं हमारे घर में साफ सफाई के लिए। आज हम घर में जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं साफ सफाई के लिए, चाहे कपड़ों के लिए, बाथरूम के लिए हो या फर्श साफ करने के लिए, ये सभी जो प्रोडक्ट है कभी आपने पीछे क्या लिखा है या कभी देखा है क्या? तो कल मैंने हार्पिक की बोतल जानबूझ के मंगाई है, थोड़ा मैं आपको हार्पिक की बोतल दिखाता हूँ कि उसके पीछे क्या साइन। आवाज आ रहा है मेरा? यस यस, अभी आया अभी आया अभी आया। ये जो हार्पिक की बोतल है जहां पे आप देख रहे हो, ये जो चिन्ह दिख रहा है इसके ऊपर पीछे, ये कितने लोगों ने अभी तक पढ़ा है, इसके ऊपर क्या लिखा है? एक हाथ का निशान है, और ये हाथ का निशान क्या कहता है कि ये प्रोडक्ट में जो है हानिकारक केमिकल से, इसके लिए ग्लोथ का इस्तेमाल करना जरूरी है। अब मुझे बताइए कितने लोग घर में ये जो क्लींजिंग प्रोडक्ट के लिए हाथ में ग्लोव इस्तेमाल करते हैं? मुझे तो पता नहीं। और इसकी वजह से क्या है, ये साइड इफेक्ट हो रहे। मतलब क्या है, बाथरूम के लिए हार्पिक है, फर्श के लिए फिनाइल का इस्तेमाल किया जाता है, लाइजोल का इस्तेमाल किया जाता है, बर्तन के लिए 100 नींबू की शक्ति, 100 नींबू 5 रुपए में, अगर नींबू पानी पीते है ना रोड के ऊपर भी तो अभी 15 से 20 रुपया लेता है, अगर होटल में पीते है तो 50 से 60 रुपया नींबू पानी का लेते हैं, और ये 100 नींबू की शक्ति 5 रुपए में दे रहे, गारंटेड हमें चूना लगा रहे ये लोग। तो आप देखिए कि हानिकारक केमिकल वाले प्रोडक्ट हम क्लींजिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। कपड़ों के लिए जो हम लोग लेके आ रहे हैं उसमें अंदर क्या होता है, ब्लीच का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सारे जो प्रोडक्ट है ये क्या कर रहे है, हमारे हाथों के साथ साथ इसके अंदर के जो केमिकल्स है, हैजार्डस केमिकल जो है हमारे शरीर में या ब्लड में इंजेक्ट होने के बाद हमें अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम को झेलना पड़ रहा है। दोस्तों ये जो हमारा प्रोडक्ट है क्लीन एंड मोर फैब्रिक वॉश एंड क्लीन एंड मोर मल्टीपर्पज क्लीनर, ये पूरी तरह से जैविक है, ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी किया नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है 1 लीटर पानी में 1 ml ही इस्तेमाल करने है, और हाथों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्यावरण के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कपड़ों के लिए, बर्तन के लिए, जो भी चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे
या किसी भी चीज के लिए उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आने वाला, जो है 100% आपको रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि केमिकल इस्तेमाल करने से अच्छा है नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, तो आप सेफ रहोगे, साथ ही साथ पर्यावरण के लिए भी इसका फायदा जरूर मिलने वाला है। और ये बचा हुआ जो पानी है अगर ड्रेनेज लाइन में डालते हैं तो अंदर से ड्रेनेज लाइन जो है ये क्लीन करने में काम में आता है, साथ ही साथ बचा हुआ पानी पेड़ पौधों में भी डालते हैं तो ये खाद का भी काम करता है। इतना ये जो प्रोडक्ट है हमारा जबरदस्त है, ये प्रोडक्ट भी हम लोगों ने पेटेंट के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं। अब आते हम लोग नेत्रामोड। अब ज्यादा जो प्रॉब्लम लोगों को आते, बाकी प्रोडक्ट तो डेमो करके भी हम लोग दिखा सकते हैं, हब्दन मोर का जो फेस वॉश है, फेस मिस्ट है, ये डेमो करके भी बता सकते हैं, लेकिन नेचुरामोर प्रमोट करते वक्त बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सच में मैं प्रमोट करूं या नहीं करूं, खाने वाला प्रोडक्ट है, कुछ हो गया तो ये टेंशन आता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल भी सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि इसके सारे जो है टेस्टिंग किए जाते हैं, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन होते हैं उसके हिसाब से सारे सर्टिफिकेशन लिए जाते हैं और उसके बाद में ही ये जो प्रोडक्ट है मार्केट में आता है। तो दोस्तों, ये ह्यूमन ट्रायल्स भी किए जाते हैं, सर्टिफिकेट भी उसके लिए जाते हैं, अलग अलग संस्थाओं द्वारा ये प्रमाणित भी किया जाता है, तब जाके ये मार्केट में हम दे रहे। अभी ये जो प्रोडक्ट है इसकी जरूरत क्यों है, हम देखते हैं इसकी जरूरत क्यों है। देखो, पुराने जमाने में हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी ये 100 साल तक जीते थे, कॉलर टाइट करके क्या बोलते थे, आज तक मैंने एक गोली भी नहीं खाई, मैंने दवाई भी नहीं ली है। लेकिन आज हम लोग देख रहे कि हमारा ये जो पीढ़ी है, ये जो जनरेशन है, इनका लाइफ स्पैन कितना है, 100 से लेकर अभी 60-65 तक का लाइफ स्पैन आ गया है। मतलब क्या है कि 40 साल कम हो गया है। अब आने वाला अगला जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारे पोते, इनका लाइफ स्पैन कितना होगा, 60 के ऊपर जाएगा या 60 के कम होगा? तो नेचुरली सभी लोग बोलते हैं कि अभी ये कम होते जा रहा है। मतलब अभी भारत ने डेवलपमेंट किया है, प्रगति किया है क्या? बड़े बड़े अस्पताल से बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे, अच्छी अच्छी दवाइयां उपलब्ध है, फिर भी इंसान का लाइफ नहीं बढ़ा सके है। ये क्यों हो रहा है, कभी सोचा इसके बारे में? तो इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि आज इंसान का जो लाइफस्टाइल है ये पूरी तरह से हेक्टिक बन चुका है। मतलब क्या है कि आज इंसान क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, काम करने में, जॉब में सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि हर कंपनी का आउटपुट चाहिए। इसीलिए जो भी काम करने वाले लोग है या जो भी बिजनेस करने वाले लोग है, इनके बिजनेस में भी सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। और ये स्ट्रेस लेवल की वजह से उसका जो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट हमारे पूरे शरीर के ऊपर हो जाता है। दूसरा कारण इसका है इम्प्रॉपर डाइट। मतलब क्या है, हमारे खाने में विटामिन और मिनरल्स की कमी, हमें खाने में यह कमी की वजह से भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स क्या होते हैं, धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। साथ ही साथ आज हम क्या खाते हैं, जंक फूड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। आज बच्चों को भी पूछते हैं कि क्या अच्छा लगता है, तो पिज्जा, मिसल, बर्गर, चाइनीज ये चाहिए। अब मुझे बताइए कि ये जो प्रोडक्ट खाने के बाद सच में लाइफ बढ़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। ठीक है, बीमारियां, ये बीमारियां भी क्या कर रहा है, हमारे लाइफस्टाइल को या हमारे शरीर को ये कमजोर बनाते जा रही है। और साथ ही साथ बुढ़ापा आता है, ओल्ड एज आता है, ओल्ड एज में भी ये प्रॉब्लम क्या होते हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, कभी हमने इसके बारे में सोचा है क्या? तो देखते हैं आज और एक चीज, फूड पिरामिड, फूड गाइड क्या बोलता है कि हमें खाना कैसे खाना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये FDA से लेके जितने भी संस्था है इनका कहना क्या है कि आपका डेली खाने का जो फूड है ये किस तरह से होना चाहिए, ये खाने का फूड है ग्रुप ए में क्या होना चाहिए, आपके सरल राइस, दाल वगैरह ऐसी चीजें ज्यादा होना जरूरी है। ठीक है, चावल ज्यादा होना जरूरी है, गेहूं होना जरूरी है, बाजरा होना जरूरी है, मकई की रोटी होना जरूरी है, ऐसे सब चीजें ग्रुप में ये ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। दूसरा ग्रुप जो आता है
ये आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, मतलब इससे थोड़ा कम मात्रा में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होना चाहिए। तीसरा जो ग्रुप है मिल्क योगर्ट चीज यानी मिल्क जन्य दुग्धजन्य पदार्थ है, ये उससे भी कम मात्रा में होने चाहिए। चौथा ग्रुप क्या बोलता है मीट पोल्ट्री फिश, ये जो है मांसाहारी पदार्थ जो है नॉन वेजिटेरियन जो हमारे खाने में, ये उससे भी कम होना चाहिए। और पांचवा ग्रुप क्या बोलता है फैट्स ऑयल्स एंड स्वीट्स, ये बहुत ही कम मात्रा में होना चाहिए। आप ये दिख रहे ऊपर छोटा, ये मतलब खाली जबान को लगाने जितना ही होना चाहिए। लेकिन मुझे बताइए यहाँ पे कि हम सब रोज जो खाना खाते हैं ये इसी तरह से खाते हैं ना घर में? कल्पना भावसर मैडम क्या लगता है हम इसी तरह से रोज खाना खाते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करते हैं जो जबान को अच्छा लगता है ना उसका सेवन ज्यादा होता है। आज संडे है घर में चिकन मटन फिश बना रहेगा तो गले तक आने तक खा लेते हैं हम लोग, डकार आने तक बोलते हैं कि अभी तक मन नहीं भरा है या ऐसा हो रहा है, और उसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है हमारे पूरे शरीर पे हो रहा है। स्वीट दिखता है हम क्या करते हैं बाकी खाना बाजू में पहला स्वीट हजम कर लेते हैं फिर बाद में वापस एक बार स्वीट डिश खा लेते हैं। मतलब इसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा खाने पीने का तौर तरीका ये बिल्कुल चेंज हो चुका है और उसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है हमारे बॉडी के ऊपर हो रहा है। वहां पे लिखा है आज हम लोग जो खा रहे वही आगे चल के हमें बताने वाला है कि हमारा कल क्या है वो, ये बात देखिए। और आज ये साबित हो रहा है तो दोस्तों ये सभी प्रॉब्लम्स है, ये सभी प्रॉब्लम्स है। तो हमारा खाना कैसे होना चाहिए या खाना कितना होना चाहिए, हमने थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से पढ़ा है कि हमारे खाने में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो हमारा जो खाना है ये वेल बैलेंस डाइट होना चाहिए, न्यूट्रिशन कंटेंट होना जरूरी है। यानी क्या कि मेरे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट वाटर विटामिन एंड मिनरल्स से भरपूर मेरा खाना होना जरूरी है। यानी क्या होना चाहिए इतना थाली भर के खाना रोज खाना अनिवार्य है, या फ्रूट्स जूस ये रोज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सच में ये हम लोग कर पाते हैं क्या? प्रकाश बारेकर साहब शायद नहीं बोल रहे आप, मतलब इतना खाना क्यों नहीं खा पा रहे? पहला प्रॉब्लम है इतना थाली भर के खाना एक साथ में खा नहीं सकते है। दूसरा प्रॉब्लम है आज हमारे घर में जो महिलाएं है ये रोज इतना खाना बनाएंगे तो घर में झगड़े तो होने ही वाले है। आज लॉकडाउन की सिचुएशन में क्या हो रहा है सुबह ब्रेकफास्ट दोपहर को अच्छा खाना शाम को इवनिंग स्नैक रात को और अच्छा खाना, इससे ये महिलाएं तो थोड़ा टेंशन में आ चुकी है ये लॉकडाउन कब खुले और घर वाले कब बाहर जाए ताकि हमें शांति मिले, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? मतलब इतना खाना डेली नहीं बना सकते हम लोग, बराबर? ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, इतना खाना बनाना है तो उसके लिए पैसा भी ज्यादा लगेगा ना, बराबर कि नहीं? हर तरीके से पैसा, वो पैसा भी नहीं है क्योंकि पहले क्या होता था दो तीन सब्जियां होती थी खाने में, लेकिन जब से महंगाई बढ़ रही है एक सब्जी गायब, कभी कभी दोपहर को जो मिला मिला खाओ जो मिला है वो खाओ, यही आज हालत हो रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। यानी यहाँ पे दो चीजें है इन शॉर्ट, जिसके पास पैसा है उसके पास खाने के लिए टाइम नहीं है उसके लिए वो बीमार है, जिसके पास टाइम है उसके पास ये खाना बनाने के लिए पैसा नहीं है उसके लिए वो भी बीमार है। यानी अमीर भी बीमार गरीब भी बीमार है, और उसकी वजह से भारत के हर एक व्यक्ति की लाइफ स्पैन धीरे धीरे कम हो रही है। तो हमारा खाना इतना चाहिए सब कुछ चाहिए तो बनाने के लिए भी टेंशन नहीं और सारे न्यूट्रिशन एक साथ मिले, इसीलिए नेटसअप ने यहाँ पे हमारे पास ये डेली न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट बनाए हैं। मतलब क्या है कि आपको घर में बनाने की जरूरत भी नहीं है, नेटसअप ने बना के दिया, एक चम्मच डेली ले लो सारे न्यूट्रिशन आपको मिलने वाले है। और ये जो हमारे प्रोडक्ट है ये क्या है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन से बना हुआ प्रोडक्ट है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। सुनीता गोरुले मैडम इधर ध्यान दीजिए आप, ठीक है? हाँ, कोई भी उधर से कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि सबके ऊपर मेरा ध्यान है। ओके, तो आगे बढ़ते हम, तो ये जो प्रोडक्ट है डेली न्यूट्रिशन, मतलब क्या आज खाने में से जो कमी है मुझे पूरी करे। देखो एग्जाम्पल लेते हम लोग, हमारे घर में जो बिजली आती है अगर लोड शेडिंग चलता हमें पता है कि बिजली जाने वाले दो घंटा तीन घंटा, हम इन्वर्टर लगाते करते या नहीं करते? हम डॉक्टर के पास जाते
तो डॉक्टर क्या करता है, सलाइन लगा देता है, एनर्जी देता है, या क्यों दे रहा है? क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी दवा को रिस्पॉन्ड हमारी बॉडी नहीं कर पाएगी। और आज क्या हो रहा है, हम खाली दवाइयां ले रहे लेकिन खाना क्या है? और आयुर्वेद में कहा गया है आपका अच्छा खाना ही आपका अच्छा दवा है। तो हमने यहाँ पे जो डेली न्यूट्रिशन दिए, इसके अंदर पुरुषों के लिए जो प्रोडक्ट है, मैं कुछ कॉमन बातें सब चीजें बताऊंगा, कुछ स्पेशल चीजें है वो अलग अलग प्रोडक्ट में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, प्रोटीन। ये महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए और बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हमने 50% प्रोटीन फ्रेंच वेनिला जो मेन का प्रोडक्ट है उसके अंदर डाला हुआ है। अब ये प्रोटीन का काम क्या है, देखिए हमारा जो शरीर है ये सेल्स से बना है, ये कोशिकाओं से बना है, पेशियों से बना है। अब ये पेशियों से क्या है कि हमारा ये निकल गया मेरे मुंह से, हमारे पूरे जो ऑर्गन्स है, टिश्यू, ठीक है, सेल से हमारे टिश्यू बने हैं, हमारे ऑर्गन्स भी हमारी ये पेशियों से बने हैं। अब ये पेशियों का जरूरत होता है एमिनो एसिड, और ये एमिनो एसिड का जो स्रोत है, इसका जो सोर्स है, यह है प्रोटीन। अब यह प्रोटीन कितना मात्रा में चाहिए, पर ग्राम पर केजी, मतलब मेरा अगर 1 किलो वजन है तो मुझे 1 ग्राम चाहिए, अगर 50 किलो है तो 50 ग्राम चाहिए, मुझे डेली प्रोटीन की जरूरत है। और दोस्तों ये डेली प्रोटीन खाने में से नहीं मिलने की वजह से क्या हो रहा है कि धीरे 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 हमारे जो ऑर्गन से, यानी हम सर से बाल से लेकर पैर के नाखून तक हमारा जो सिस्टम है वो धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। आप देखिए 40-45 के बाद में किडनी का वर्किंग कम हो जाता है, हार्ट का वर्किंग कम होता है, लंग का वर्किंग कम होता है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डेली खाने में प्रोटीन की मात्रा कम होने की वजह से। प्रोटीन ब्लॉक बिल्डिंग का भी काम करता है, यानी हमारी मांसपेशियां जो है ये बनाने का भी काम करता है, और ये नहीं होने की वजह से भी हमारे मांसपेशियां भी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए भी ज्यादा फायदेमंद है। तो ये हमने ये प्रोडक्ट में डाला है, जो डेली अगर आप 1 चम्मच लेते हैं तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमतरता को पूरी करेगा। अब ये प्रोटीन हम लोग ने कौन से टाइप में लिया है, तो इसके अंदर सोया प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है, पी प्रोटीन है, राइस प्रोटीन है, एंड वे प्रोटीन है। 5 टाइप के प्रोटीन हमने इसके अंदर दिए हुए, वी आर द फर्स्ट कंपनी जो 5 टाइप के प्रोटीन दे रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी प्रोटीन का जो फुलफिल है दिन में जो चाहिए ये पूरी तरह से हमारे प्रोडक्ट से हो जाता है। इसके बाद है, इसके अंदर डाला है अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट। अश्वगंधा एक ऐसा वनस्पति है, ये बॉडी के हर चीज के लिए बहुत ज्यादा काम में आता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, मानसिक तान तनाव को कम करना, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, शरीर में ताकत को प्रदान करना, ये काम होता है अश्वगंधा का। साथ ही साथ हमने हमारे फ्रेंच वेनिला में एलोवेरा एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया। एलोवेरा कोरपट जला मराठी मतलब जाता है, हर घर में आज क्या होता है ये गमले में आज एलोवेरा लगाते हैं, लेकिन 350 से ऊपर की प्रजाति या एलोवेरा की, उसमें एलो बार्बाडेंसिस मिलर नाम की जो प्रजाति है इसमें सबसे ज्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये एलोवेरा जो है मनुष्य के करीबन 200 से ज्यादा प्रकार की व्याधियों के ऊपर काम करता है। इसका प्रमुख काम क्या है, शरीर में जो ज्यादा है उसको कम करना, जो कम है उसको बढ़ाने का काम, यानी मेंटेन करने का काम एलोवेरा होता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम है, विष द्रव्य जो है शरीर के अंदर वो बाहर निकालने का काम होता है, साथ ही साथ एनर्जी प्रदान करने का काम होता है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम होता है, ब्लड प्यूरिफाई करने के काम में आ जाता है, अंदरूनी घाव जो है उसको भी ठीक करने का काम एलोवेरा करता है। तीसरा जो कंटेंट मेन है यह ओमेगा, ओमेगा 3 DHA, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मार्केट में ज्यादातर कंपनियां ये ओमेगा 3 DHA नॉन वेजिटेरियन सोर्स से दे रहे, हमने वेजिटेरियन सोर्स से लिया है, हमने लिया है सी अलगिस से, यानी समुद्री शैवाल जो होते इससे हमने ये एक्सट्रैक्ट को निकाला है। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ओमेगा, ये क्यों चाहिए, ये फैटी एसिड है, यानी कि हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन में 50% डेली ओमेगा जरूरी है, और ओमेगा 3 DHA हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, बनाती नहीं है, हमें खाने में से ही लेना पड़ता है। अब ये कौन सा खाना है, तो ज्यादातर देखो अखरोट, बादाम, ये जो चीजें है इसमें से ओमेगा मिलता है। हम रोज खा पाते हैं क्या, नहीं खा पाते क्योंकि महंगा है।
बराबर कि नहीं? हम बोलते हैं ना बादाम खाने से अक्ल आती है, क्यों? बिकॉज ऑफ ओमेगा 3 DHA। तो हमने ओमेगा 3 DHA दिया है जिससे ब्रेन डेवलपमेंट का काम अच्छी तरह से होता है, साथ ही साथ हमारे आंखों के लिए भी ओमेगा बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन ए भी चाहिए और ओमेगा भी चाहिए। हमारा हार्ट उसको मजबूत बनाने के लिए भी ओमेगा जरूरी है। हमारे स्किन के नीचे जो लेयर है, यानी जब को खरोच आ जाती है तो स्किन के नीचे एक व्हाइट लेयर होता है, ये लेयर के लिए भी ओमेगा 3 DHA बहुत ज्यादा जरूरी है। और हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज है उसको बनाए रखने के लिए आम वात में भी ओमेगा 3 DHA बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ 13 टाइप के विटामिन से और मिनरल्स भी हम लोग ने दिए, क्योंकि हमारे बॉडी में विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, ये सभी चाहिए। कैल्शियम की जरूरत है, नाइसिमेट की जरूरत है, ये सभी हम लोग ने इस प्रोडक्ट से दिया हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे शरीर की जो भी प्रॉब्लम है ये दूर होने के लिए हमें इसका फायदा मिलता है। ठीक है, आगे चलते हम लोग महिलाओं के लिए। अब महिलाओं का जो शरीर है ये पुरुषों की तुलना में ज्यादा क्रिटिकल है। महिलाओं में 2 हार्मोन ज्यादा है, एक है एस्ट्रोजन एंड दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, और ये 2 हार्मोन को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। ये 13 साल की उम्र से लेके मरते दम तक ये हार्मोन को बैलेंस करना होता है, और ये जो हार्मोन से अगर ये बैलेंस नहीं होते हैं तो इसका परिणाम पूरे शरीर के ऊपर होता है। मतलब क्या है, आज कैंसर जैसी बीमारियां क्यों महिलाओं में बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से। ठीक है, पुराने जमाने में ये प्रॉब्लम नहीं थे। तो पहला एक प्रॉब्लम है महिलाओं में हार्मोन का इम्बैलेंस है। दूसरा हम लोग प्रॉब्लम क्या देखते हैं, हमारी भारत के महिला है ये ज्यादा सहनशील है। मतलब क्या है कि जब तक नाक के ऊपर तक प्रॉब्लम आता नहीं है ना, तब तक घर में बताते नहीं है, बराबर? ये हर घर का प्रॉब्लम है आज, और इसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाते हैं और उसको रिपेयर करना कठिन हो जाता है। ठीक है, महिलाओं बुरा मत मानना, लेकिन ये वस्तु स्थिति आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये हर घर में हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाता है, फिर उसमें कठिन हो जाता है उसको रिपेयर करना। तीसरी बात अगर हम लोग देखते हैं महिलाओं में कि ये घर में जो खाना खाते है ना वो ज्यादातर ताजा खाना नहीं खाते, जो बचा कुचा खाना है ना यही महिला ये खाते, ये पहला खाते। हर घर में ये प्रॉब्लम है। अभी उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हाजमा उनका कंट्रोल में नहीं है, ठीक नहीं होता है, और उसकी वजह से अलग अलग बीमारियां होती है। देखो कोई भी खाना है ये 4 घंटे के अंदर खाना चाहिए, गर्म खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि 4 घंटे के बाद उसके ऊपर बैक्टीरिया प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। यानी हम क्या कर रहे, ऐसा खाना खाने के बाद अंदर तकलीफें होने वाली है। ठीक है, चौथा प्रॉब्लम की बात करते हैं। भारत में करीबन 80% महिलाएं जो है इनके हीमोग्लोबिन में आज कमी पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ये क्यों कमी पाई जाती है, इसका कारण है आयन, या आयन डिफिशियंसी है। अब हम देख रहे हैं कि पुराने जमाने में लोहे के बर्तन में खाना बनता था, आज हमारे घर में किस में बन रहा है खाना, हम क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, बराबर? उसके बाद में हम नॉनस्टिक कुकवेयर का इस्तेमाल कर रहे, तो ये आयन मिलेगा कैसे, नहीं मिल पा रहा है। मेरे सामने डॉक्टर जादव मैडम जी दिख रहे, श्रद्धा जादव मैडम, मैडम मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं है? भारत में 80% महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाती है, और ये हीमोग्लोबिन कम हो रहा है उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ, बोलिए। यस सर, वेरी ट्रू, थैंक यू वेरी मच। तो मतलब क्या है कि अभी आप म्यूट कर सकते हैं, अभी ये आयन की कमी को पूरी करने का काम ये हमारा ये प्रोडक्ट कर रहा है। अभी इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, भारत में जो महिलाएं हैं इनमें कैल्शियम भी कम हो पाया जाता है, हड्डियों के प्रॉब्लम ये महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं। मतलब अगर बात करते तो 50% जो महिलाएं है 30-35 साल की उम्र के बाद इनको हड्डियों के प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ आफ्टर डिलीवरी जब बच्चा मां से दूध पीता है तब कैल्शियम युक्त खाना यह महिलाओं को ज्यादा जरूरी होता है, यह माताओं को ज्यादा जरूरी होता है। और उस वक्त अगर कैल्शियम युक्त खाना नहीं खाया तो यह हड्डियां क्या होती है, धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है। आप देख रहे कि 35-40 के बाद रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम, घुटनों का प्रॉब्लम, दांत का प्रॉब्लम,
यह बढ़ रहा है महिलाओं में, इसका प्रमुख कारण है कि ये कैल्शियम कमी। तो हमने यहाँ पे महिलाओं के जो हमारा मसाला मिल्क एंड वुमन फ्रेंच वाली वैनिला में 200 mg कैल्शियम थोड़ा ज्यादा डाला है, क्योंकि महिलाओं को उसकी ज्यादा जरूरत होती है। और एक समस्या हम देखते हैं कि स्किन, नाखून और बाल ये अच्छे रहना हर महिलाओं को लगता है, तो उसके लिए भी ये प्रोडक्ट काम करता है। इसके अंदर कर्क्यूमिन डाला हुआ है। अभी इसका बेनिफिट क्या है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट है। कैंसर की रोकथाम के लिए भी ये कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट का सबसे ज्यादा फायदा होता है। शतावरी है, ये भी हमने डाला है। अभी इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम हम देख रहे हैं भारत में, आज मिसकरेज होने का प्रमाण ये दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो महिलाओं की रिप्रोडक्टिविटी सिस्टम है ये धीरे धीरे कमजोर होते जा रही है, ये रेगुलर क्लीन नहीं रहती है, ठीक है। तो इसीलिए ये शतावरी भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ अगर स्तनग्ध माता होती है या दूध बच्चों को जो पिलाने वाली माता होती है, इनको ये प्रोडक्ट लेते हैं तो बच्चों को दूध की मात्रा भी अच्छी तरह से मिलने के लिए ये शतावरी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। फोलिक एसिड भी एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, साथ ही साथ प्रेग्नेंट वुमन जो होते हैं इनको अगर फोर्थ मंथ से हम लोग देते तो गर्भ में जो बच्चा है उसका ब्रेन डेवलपमेंट का काम भी फोलिक एसिड के बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो ऐसे ये कंटेनर हमने यहाँ पे दिए हुए। अब आते हैं हम लोग बच्चों के लिए। बच्चों के लिए जो हमारा प्रोडक्ट है, अभी हमारे घर में जो बच्चे, हम देखिए हमारे बच्चों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, यानी अच्छे स्कूल में डालते हैं, अच्छे ट्यूशन में डालते हैं, हम एक्टिविटी क्लास करते हैं, यानी डांस क्लास है, कराटे क्लास है, सिंगिंग क्लास है, तबला क्लास है, स्विमिंग क्लास है, ये सब कुछ करते हैं ताकि हमारा बच्चा कॉम्पिटिशन में टिका रहना चाहिए, इसीलिए सब कुछ करते। लेकिन ये बच्चा कॉम्पिटिशन में टिकना चाहिए इसीलिए सब कर रहे, खर्चा कर रहे 1,500-2,000 का कर रहे मंथली, लेकिन इसके शरीर के लिए क्या कर रहे, तो शायद इसमें भी क्या है आज क्वेश्चन मार्क है। देखो बच्चों के प्रॉब्लम क्या है, एक तो खाना टाइम पे खाते नहीं है, दूसरा प्रॉब्लम क्या, नींद इनकी अच्छी नहीं होती है, तीसरा प्रॉब्लम क्या है, इनको टॉयलेट यानी पेट साफ बराबर से टाइम पे होता नहीं है, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम आज ज्यादा बच्चों में है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, कुछ नहीं है। और एक प्रॉब्लम बढ़ गया, अभी आज स्कूल नहीं है, बच्चे घर में है, अभी ये ग्राउंड में ज्यादा खेलते हैं बच्चे या मोबाइल पे खेल रहे हैं, मोबाइल पे खेल रहे। अब ये मोबाइल की वजह से क्या हो रहा है, इनके ब्रेन और आंखों के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, ये बढ़ रहा है। इसके लिए हम घर में क्या कर रहे हैं, आज मार्केट टीवी के ऊपर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आ रहे, ठीक है। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग बोल रहे, ठीक है, डैश डैश इज सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। सच में एनर्जी बढ़ रही है क्या, उससे पता नहीं है, 3 गुना हाइट बढ़ेगी यह बताया जाता है। ये सभी क्लेम करने वाले कंपनी के ऊपर कैसे छल हुए सभी, और क्या दे रहे उसके अंदर, ये क्या डाला है, शक्कर है अंदर, और क्या डाला है, जो मूंगफली होता है ना उसमें से तेल निकाल के जो जानवरों को खिलाया जाता है वो उसके अंदर डाला है, और चॉकलेट डाल दिया है ताकि बच्चे क्या करे, टेस्ट अच्छा लगे, इसीलिए डिमांड करे, जीत करे, मुझे यही चाहिए। आज क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हमने हमारे प्रोडक्ट में क्या दिया है, बच्चों के लिए प्रोटीन की मात्रा कम चाहिए इसलिए 30% प्रोटीन दिया, क्योंकि उनका वेट के हिसाब से 13% विटामिन से 10% मिनरल दिए, ब्राह्मी डाला है। आयुर्वेदा में ब्राह्मी को ब्रेन टॉनिक करके कहा जाता है। अभी यह प्रोडक्ट लेने की वजह से क्या है, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो जाता है, लर्निंग पावर, ग्रैप्सिंग पावर, रिकलेक्शन पावर एंड एनालिसिस पावर जो है ये बच्चों में बढ़ने के लिए फायदेमंद है। अश्वगंधा इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहा है, साथ ही साथ बच्चों के मानसिक तान तनाव को कम कर रहा है। ओमेगा 3 DHA आंख, ब्रेन और सभी चीजों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, यानी बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करने के लिए हमारा प्रोडक्ट 100% फायदेमंद है। आप मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट के साथ इसको कंपेयर करके देख सकते हो, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट हमने यहाँ पे बनाया है। और मैं तो आपको बोलता हूँ, 1 साल यह प्रोडक्ट बच्चों को दे दो, 1 साल रेगुलर, और 1 साल देने के बाद अगर बच्चों में बदलाव नहीं दिखाई दिया ना, तो खाली डब्बा मेरे पास लेके आना, पैसा वापस लेके जाना, यह मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है और इसके बेहतरीन रिजल्ट आज हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। आगे चलते
नाइट्राम और प्लग, इसमें भी सेम मतलब सभी प्रोडक्ट में पैक टाइप में प्रोटीन सोर्स दिया है, इसके अंदर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक है। यानी क्या है, हमने इसमें गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करने की क्षमता हमारे प्रोडक्ट में, यह हाजमा ठीक करने का काम भी करता है। कैरोटीनाइड है, विटामिन ए ओमेगा और कैरोटीनाइड की वजह से आंखों में जो तान तनाव है ये दूर हो जाते हैं, आंखों की रोशनी ठीक करने के लिए भी ये फायदेमंद है। साथ ही साथ अश्वगंधा की इसके अंदर डाला है, यानी इसमें क्या है, ये जिम में जाने वाले लोग या ज्यादा हाई मतलब वजन उठाने वाले लोग है ये, या ज्यादा काम करने वाले लोग है जो डेली खड़ा होके काम करते हैं, भागम दौड़ी का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बना हुआ है। के? अभी आते हैं फंक्शनल न्यूट्रिशन में। हम यहाँ पे देख रहे हैं इजी डिटॉक्स। अब मुझे बताइए, हम रोज तो नहाते हैं ना, सभी लोग रोज क्यों नहाते हैं? बस बचपन से मम्मी पापा ने नहलाना शुरू कर दिया है, इसीलिए हम लोग रोज नहाते हैं, अभी आदत सी बन गई है। कुछ लोग तो बोलते हैं फ्रेश लगता है इसीलिए नहाते, जरूर फ्रेश लगता है इसके लिए नहाना जरूरी है, लेकिन देखो नहाना क्यों जरूरी है, अगर रोज हम लोग अच्छी तरह से नहाते हैं तो बीमार कम पड़ेंगे, रोग जो है या हमें कम छुएंगे, बराबर कि नहीं? इसीलिए साफ सफाई रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी अंदर की साफ सफाई का क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा गंदगी तो अंदर है, यह कभी दिखाई नहीं देती है और इसकी वजह से शायद हम उसको टेंशन बिल्कुल नहीं ले रहे। अब ये पता कैसे चलेगा अंदर गंदगी हो गई है? पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन देखो हमारी बॉडी है क्या कुछ ना कुछ सिम्टम बताती है और हम उसको नजरअंदाज करते हैं। हमारी बॉडी ऊपर वाले ने ऐसी बनाई है ना कि जो भी छोटे मोटी चीजें है हमें उसका क्या देता है, अंदाजा पहले ही देता है कि यह छोटी छोटी चीज हो रही है, आप उसको सुनो समझो, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं। जैसे हम बोलते हैं टॉक्सिन्स कैसे बढ़ रहे, तो सबसे पहले कि मुख से दुर्गंधी आना, अनइजी फील होना, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होना, सोके रहने जैसे होता है, ना नींद भी आती है ना उठ भी पाते हैं, एनर्जी नहीं होती है, शरीर के ऊपर स्किन के ऊपर खुजली आना, रैशेस आना, लाल तरह के चट्टे आ जाना होता है, ठीक है, ये हो जाता है। तो इसका मतलब समझ जाना कि हमारे अंदर क्या है, टॉक्सिन्स हो गए। अभी अंदर से मैं हाथ निकालता हूं उसको लक्स साबुन से धोके सूखा के अंदर तो नहीं डाल सकता है, इसीलिए ऐसी कुछ चीजें लेनी चाहिए जिससे अंदर से साफ सफाई होगी। गैसेस के प्रॉब्लम, सीवियर गैसेस है, एसिडिटी है, देखो एसिडिटी ये बहुत ही खतरनाक है। हमारा नाइट्राम और जो पहले प्रोडक्ट दिखाया वो भी फायदेमंद है, साथ ही साथ ये प्रोडक्ट भी लेना अगर सीवियर एसिडिटी है तो, क्योंकि एसिडिटी क्यों होती है, एक तो खाना अच्छी तरह से हजम नहीं हो रहा है उसकी वजह से होती है, उल्टा पुल्टा खाना खाते हैं उसकी वजह से भी होते, टेंशन लिया तो भी होती है, एसिडिटी हो गई तो उसका जो है असर हमारे अंदर बहुत ज्यादा होता है। दूसरी चीज होती है, अगर खाना हजम नहीं हुआ या तो एसिड में कन्वर्ट होगा या तो फैट्स में कन्वर्ट होगा, और ये दोनों हमारे के लिए हानिकारक होते हैं। तो इजी डिटॉक्स का 7 डेज का अगर कोर्स करते हैं तो क्या होगा कि एसिडिटी कंट्रोल में आएगी, गैसेस से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, उसके साथ साथ टॉक्सिन पूरे बाहर निकलने की वजह से हमें फ्रेश लगेगा, जो भी खाना खा रहे अच्छी तरह से हजम हो जाएगा, खाना हजम हो गया तो खाने में से न्यूट्रिशन से हमारे बॉडी को मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहली बात है, हमारे जो आंत होते इंटेस्टाइन जो होते ये बड़े या छोटे, इसके अंदर एंजाइम प्रोड्यूस करने का काम भी होता है, और खाना हजम होके खाने में से न्यूट्रिशन हमारे पूरे शरीर को मिलने का भी काम होता है। लेकिन होता क्या है कि गैसेस और एसिड की वजह से ये जो हमारे इंटेस्टाइन है वो अच्छी तरह से काम नहीं करते, उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं। तो ये हमारा इजी डिटॉक्स है उसके लिए काम करता है। ज्वाइंट केयर, जैसा मैंने पहले ही बताया कि आज ज्वाइंट की बीमारियां बढ़ रही, क्यों? ये कैल्शियम डिफिशियंसी, उसके साथ साथ विटामिन D3 की भी डिफिशियंसी है। आज विटामिन डी ये हमें फ्री में मिल रहा है लेकिन कोई नहीं ले पा रहा है, और उसकी वजह से जो कैल्शियम है हड्डियों में नहीं खींचा जाता है। आप देखिए 35 या 40 के बाद में हमें कुछ भी थोड़ा भी लग जाता है, टेबल लग गया बैठते बैठते तो इतना दर्द आता है कि ब्रेन को यहाँ पे बहुत ज्यादा असर होता है। इसका मतलब समझ जाना कि आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है। आज जो भी लोग है घर में कुछ भी ऐसा थोड़ा सा कड़क चीज रहेगा वो थोड़ा हड्डी के ऊपर मार के देखिए, आपको पता चलेगा कि अगर दर्द हो रहा है
तो समझ जाना आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, ज्वाइन कर लेना ही पड़ेगा। आमवाद, संधि दुखी, संधिवाद, कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, ठीक है, फ्रैक्चर से, इसके लिए हमारा ज्वाइन कर बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके कंटेंट क्या, गुग्गुल, चल्ल की, हाथ जोड़, पाइपलाइन है, ये क्या करता है? तो सबसे पहला, ये नेचुरल तरीके से पेन किलर का काम करता है, क्योंकि जब हम लोग हड्डियों के प्रॉब्लम होते हैं, घुटनों का दर्द होता है, तो हम लोग पेन किलर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा, जितनी ज्यादा पेन किलर खाएंगे, उसका साइड इफेक्ट जो है हमारे किडनी, हमारा लीवर, हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे फेफड़े के ऊपर होते रहेगा। तो ये अगर अगर आप ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान है, अगर पेन किलर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैं बोलता हूं इमीडिएट बंद कर दो उसको और ज्वाइंट कर काम चालू कर दो। ये नेचुरल तरीके से काम करेगा, हड्डी बोन डेंसिटी को बढ़ाने में मदद करेगा, अच्छी तरह से हड्डियां मजबूत करने के लिए फायदेमंद होगा, साथ ही साथ कार्टिलेज जो है उसको रिपेयर करने का काम करेगा, साइनेवल फ्लूइड को वापस से बनाने का काम हमारे ये प्रोडक्ट करता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो हड्डियां है मजबूत हो जाती है। अगर दो हड्डी के बीच में गैप हो रहा है, तो उसमें भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमें हमारे ये ज्वाइंट केयर प्रोडक्ट के ऑलरेडी मिल चुके हैं। एनी एज, सिर्फ एक ही चीज है, इसका रिजल्ट जो है कुछ लोगों को 3 महीने में आएगा, कुछ लोगों को 6 महीने में आएगा, कुछ लोगों को साल भर भी लगेगा, क्योंकि प्रॉब्लम अंदर कितना है ये बाहर से नहीं दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हम लोग न्यूट्री लीवर। ओके, टाइम है हमारे पास, 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। न्यूट्री लीवर, लीवर क्या है? ऊपर वाले लीवर भी ऐसी चीज बनाई है, ये रिपेयरेबल है, और ये लीवर ऐसा है जब तक 90% खराब नहीं होता है तब तक ये कंप्लेंट नहीं करता है, पता ही नहीं चलता है। और आज सबसे ज्यादा खतरा हमारे लीवर को है, क्योंकि जितने भी केमिकल फूड्स, टॉक्सिन्स फूड हम लोग खा रहे, ये लीवर का काम क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है। और ये लीवर में से बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट होते हैं, ठीक है। अभी ये लीवर करीबन 350 से ज्यादा प्रकार के कार्य करता है, और ये अनदेखा इसको कर रहे हम लोग। ये लीवर जो है ये रिपेयरेबल है, बाकी कोई भी बॉडी के ऑर्गन से ये रिपेयर नहीं हो सकते, लेकिन लीवर रिपेयर होता है। और लीवर खराब हो गया तो पूरी बॉडी खत्म, कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, ये ध्यान में रखो। इसीलिए हमें लीवर के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आज जो खाना खा रहे, जो पानी पी रहे, जो हवा ले रहे, इसमें सबसे ज्यादा केमिकल टॉक्सिन हमारे बॉडी में जाके इसको फिल्टर करने का काम, सेपरेट करने का काम ये भी लीवर कर रहा है। तो इसके लिए लीवर टॉनिक का काम करते हैं, खुद की कल में वही मला, ये बैलेंस लेवल तो लीवर एंजाइम को है, और इसके जो एसिड सीक्रेट्स होते हैं इसको भी मेंटेन करने का काम भी हमारा ये प्रोडक्ट करता है। उसकी वजह से हजमा ठीक हो जाता है, जो खाना खा रहे वो अच्छी तरह से हजम होने में मदद हो जाता है, स्किन के कुछ भी प्रॉब्लम से, क्योंकि बहुत ज्यादा जो स्किन के प्रॉब्लम से ये लीवर से जुड़े होते हैं। तो अगर स्किन के कुछ प्रॉब्लम से तो लीवर लेना भी शुरू करो। अगर किसी को वजन भी मेंटेन करना है तो आप हमारा डिटॉक्स के साथ न्यूट्री लीवर भी चालू कर दो, तो ये वजन मेंटेन करने के लिए भी काम में आएगा, पेट भी अच्छी तरह से साफ होने के लिए भी ये लीवर का हमारा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा फायदे बने। उसके बाद आते न्यूट्री हार्ट। न्यूट्री हार्ट ये प्रोडक्ट क्यों चाहिए? आज हमारे सभी के घर में जो भी खाना बनता है, ये खाने में सबसे ज्यादा तेल का इस्तेमाल होता है। अब हम लोग क्या है, डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में कौन सा तेल आता था ऐसा? कोई भी फिल्ट्रेशन नहीं होता था, क्योंकि वो सभी तेल क्या थे, ओरिजिन आते थे, अच्छे आते थे। लेकिन आज हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे, आप घर में एक प्रैक्टिस करके देखिए कि आप कांच के बोतल में तेल भर के रख दीजिए, 1 महीने के बाद आप उसको तेल को निकालिए, नीचे देखिए क्या होता है, सब फैट जमा होता है। आप देखिए नीचे सबसे ज्यादा फैट्स होता है, यानी क्या हो रहा है, हम खाने के जरिए क्या कर रहे, अंदर बहुत ज्यादा फैट्स का इस्तेमाल कर रहे, और उसका जो साइड इफेक्ट है हमारे हार्ट के ऊपर हो रहा है, ठीक है। आप देखिए पुराने जमाने में क्या था, पुराने जमाने में टीवी जो होते थे ना, कलर टेलीविजन, ये गोल हुआ करते थे और इंसान फ्लैट था। अभी क्या हो गया है, टीवी फ्लैट हो गया है और इंसान गोल हो चुका है, बिकॉज ऑफ खाना, ठीक है। और हम ये हार्ट में क्या होता है, सबसे बड़ा कोलेस्ट्रॉल, दूसरा हो रहा है
हार्ट का पंपिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, लो बीपी हाई बीपी ये होते रहता है, तो इसीलिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया न्यूट्री हर्ट। इसके अंदर हमने क्या डाला है, अर्जुन एक्सट्रैक्ट से, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, Q10 कोएंजाइम से, इसके अंदर सेलेनियम का इस्तेमाल किया है और गार्लिक एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया है हार्ट मजबूत बनाने में, खून को पतला करने में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए, हार्ट के पंपिंग को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए हमारा ये प्रोडक्ट 100% रिजल्ट ओरिएंटेड यहाँ पे दिया है। तो बहुत ही ज्यादा ये जरूरी है लाइफस्टाइल पर। आज ये जो हमारे पास है लाइफस्टाइल पर, ये डायबिटीज और डायबिटीज से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स के लिए है। देखो तो डायबिटीज जिसको हो चुका है या होता है, या डायबिटीज की वजह से बहुत सारे रिलेटेड बीमारियां होती है। अभी जिनको डायबिटीज है, सबसे पहला प्रॉब्लम है उनका खाना हजम नहीं होता है, क्योंकि शुगर मेंटेन करने के चक्कर में क्या हो रहा है, जो दवाइयां ले रहे ये खाने को अच्छी तरह से हजम ही करने नहीं देती है। खाना हजम नहीं हुआ तो खाने में से न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को मिलते नहीं है, और ये बॉडी के ऑर्गन्स को नहीं मिले तो धीरे धीरे ब्रेन, आंख, लंग्स, उसके साथ किडनी और ये हर एक ऑर्गन के ऊपर उसके साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जिसको ये डायबिटीज की बीमारी है उसको अलग अलग बीमारियां धीरे धीरे शुरू हो जाती है। अभी इसमें होता क्या है, हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद इसमें से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ये ग्लूकोज हमारे बॉडी के सेल्स यानी कोशिका का उत्पाद पहुंचाने के लिए हमें इंसुलिन की जरूरत होती है, और ये पैनक्रिया क्या करता है, ये इंसुलिन को सिक्रेट करता है और ये ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में घूमते रहता है, और ये इंसुलिन क्या कर रहा है, जो ग्लूकोज को सेल्स में पहुंचाने का काम करता है। ये सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है। अभी हमारा प्रोडक्ट में क्या है, करेला है, जामुन है, खुद की सुनट है, गुरमार है, ऐसे अलग अलग हमने कंटेंट डाले। ये काम क्या कर रहा है, सबसे पहला पैनक्रिया को एक्टिवेट रखने के लिए जो बीटा सेल्स की जरूरत होती है, ये बीटा सेल्स को बनाए रखने के लिए हमारा प्रोडक्ट काम करता है। इसकी वजह से क्या होता है, पैनक्रिया अच्छी तरह से एक्टिव रहता है और उसके अंदर से इंसुलिन अच्छी मात्रा में सिक्रेट होके ये जो ग्लूकोज है ये पूरे बॉडी में पूरे सेल्स तक पहुंचाने का काम हमारे प्रोडक्ट के जरिए होता है। उसकी वजह से आपके जो रिपोर्ट है ये 2-3-4 महीने के बाद ये नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। बहुत बार ऐसे भी रिजल्ट आए हैं कि डॉक्टर की दवाइयों के डोसेज भी कम हो चुके हैं। बहुत सारे लोग इंसुलिन ले रहे थे, इनके डोसेज में भी परिवर्तन आ गया, बहुत ज्यादा कम भी हुआ है, कुछ लोगों के बंद भी हो चुके हैं। ऐसे बेहतरीन रिजल्ट है आप नीचे देख रहे हैं इसमें, कि हमने इंटरनेशनल जर्नल में भी हमारे इसके टेस्टिंग के रिपोर्ट भी पब्लिश किए हैं, क्लिनिकली वैलिडेट हमारे पास है। यानी सिर्फ बोल नहीं रहे, हमारे कंटेंट क्या काम करते उसका पूरा रिसर्च हम लोग ने किया है, उसके पेपर्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। के? आगे चलते हैं। आई केयर, आज हम देख रहे हैं कि आंखों की समस्या दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। एट द एज ऑफ 35-40 में हर एक को चश्मा लगने का प्रॉब्लम बढ़ी जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, पुराने जमाने में हमारे नानी जी दादी जी ये चावल में से कंकर आराम से निकाल पाते थे, सुई में धागा जो है अच्छी तरह से डाल पाते थे, लेकिन आज क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ रहे हैं, आप ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ रहे हैं। मेरे सामने मिस्टर संदीप कलुस्कर साहब है, कलसुरकर साहब है, आप मुझे बताइए संदीप जी, हमारे आंखों के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है, बराबर, करीबन दिन में 5000 यूनिट ये होना जरूरी है, आप विटामिन ए किसमें से मिलता है, चलो अनम्यूट नहीं कर पा रहे, विनय मौर्या साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे, विटामिन ए हमारे आंखों के लिए जरूरी है और ये मिलता है गाजर में से। अब मुझे बताइए संदीप सर, आपने गाजर कब खाया था, कल खाया, परसों खाया, एक महीना पहले खाया, 6 महीना पहले खाया, नहीं खाया, सुषमा मैडम आपने कब खाया, नहीं खाया, मतलब क्या है कि मुझे विटामिन ए की जरूरत है, डेली चाहिए और मैं डेली नहीं ले रहा हूं, तो इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, मेरे आंखों के ऊपर हो रहा है। ये बात को समझने की कोशिश कीजिए, बराबर कि नहीं। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम गाजर खाते कभी खाते सलाद बनाते तब, या शादी में जाते तब सलाद लेते हैं, अभी तो वो भी बंद हो चुका है, कोरोना ने बंद कर दिया है,
पिछले 4 महीनों से एक भी शादी अटेंड नहीं कर पाए, तो गाजर नहीं खा पाए, मतलब क्या है कि ये प्रॉब्लम दिन बर दिन बढ़ते जा रहे, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे आई केयर का प्रोडक्ट बनाया। दूसरा चीज क्या है, आज सभी लोग घर में हैं तो स्क्रीन का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, लैपटॉप का इस्तेमाल हो रहा है, और इसके जो रेज है ये हमारे आंखों को आज क्या कर रहे, कमजोर बना रहे हैं। भले हम लोग एंटी ग्लेयर स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे फिर भी ये प्रॉब्लम हमारे बॉडी को दे रहे, तो इसीलिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है आई केयर। मैं इतना ही बोलूंगा, ये जो प्रोडक्ट है 6 महीना खाना है बस, आंखों में ड्राइनेस होता है, आंखें लाल हो जाती है, आंखों के अंदर चुभा चुभा सा लगता है, ठीक है, स्क्रीन देख रहे तो प्रॉब्लम होता है, पानी आ जाता है, ये सब प्रॉब्लम आपका 3 से 6 महीने में सॉल्व होने का काम ये प्रोडक्ट गारंटेड करने वाला है। और आखिरी प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बढ़ाना है। अब इम्यूनिटी बढ़ाना यानी क्या है, देखो इम्यूनिटी बढ़ाना यानी क्या है तो सिंपल एक चीज बताऊंगा, हमारा बॉडी जो है ये सेल्स से बना है, ये सेल्स को अमीनो एसिड चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम टीवी देख रहे, उसके रेज आ रहे, उसके सिग्नल आ रहे, मोबाइल के सिग्नल आ रहे, ठीक है, ब्लूटूथ सिग्नल है, एफएम रेडियो सिग्नल है, और हमारे बॉडी में एक ऑरा होता है। आपने देखा रहेगा जो महान पुरुष होते हैं ना, उनके फोटो में दिखाते हैं ऑरा, आज हमारा ये ऑरा भी कमजोर हो गया है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जितने भी हानिकारक सिग्नल है ये हमारे बॉडी को डैमेज कर रहे। साथ ही साथ हर एक व्यक्ति आज क्या कर रहा है, टेंशन ले रहा है। आप देखिए, मैं टेंशन में हूं तो मेरा चेहरा दिख रहा है टेंशन में है, मैं अगर खुश हूं मेरा चेहरा दिखा देता है मैं खुश हूं, ये होता है या नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, मेरे ये सेल्स है ये एक्सप्रेस हो रहे है, बराबर है। हमारे जो पेशिया है उसपे इलेक्ट्रॉन्स होते है, मेम्ब्रेन होता है, ये टेंशन ये हानिकारक चीज है, ये केमिकल ये क्या कर रहे है, ये सेल्स को मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचा रहे है, उसकी वजह से एक सेल डैमेज होता है, एक सेल डैमेज हो गया, दूसरा डैमेज, तीसरा डैमेज, चौथा डैमेज, और धीरे धीरे उसके आसपास जो ऑर्गन से ये डैमेज हो जाते हैं, ऐसे भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट जरूर है। साथ ही साथ इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है यानी क्या है कि ये सेल्स को रिपेयर करना भी जरूर होता है, ये हानिकारक जो बैक्टीरिया है ये वायरस है ऐसे ये हमारे सेल्स के अंदर घुस जाते हैं, मेम्ब्रेन को छेद के, क्योंकि वो प्रॉपर नहीं है, तो ये बनाए रखने का काम जो है हमारा इम्यून प्लस प्रोडक्ट करता है। इसके अंदर तुलसी है, गिला है, विटामिन सी है, जो बॉडी क्लींजिंग के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मूला है ये हमें दे रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ने में मदद होती है। नेत्रामोर, फ्रेंच वेनिला, उमन वेनिला बच्चों के लिए दे दो, उसके साथ साथ इम्यून प्लस 2 कैप्सूल आप डेली ले लो, आपको 1 महीने के अंदर आपका सिस्टम जो है ये बहुत ही हेल्दी आपको लगेगा, ठीक है। ये बहुत ही प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जोरदार है, इसके रिजल्ट ट्रिमेंडस आ रहे, हर जगह से इसका रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त आ रहा है। ये प्रोडक्ट भी शॉर्टेज है, अभी ये मुंबई, गुजरात, आसपास, पुणे वगैरह मिल रहा है, ये मिल रहा है, लेके रखो, ये भी शॉर्टेज में जाने वाला है, क्योंकि आदमी को होती है जरूरत 2 की और इंसान ले रहे 5, क्योंकि आज जरूरत है। एक बहुत ही जबरदस्त ये प्रोडक्ट है। डिट्रेस, टेंशन की वजह से नींद नहीं आना आज बहुत सारे लोगों को हो रहा है, तो डिट्रेस लीजिए। ब्राह्मी है, जटामानसी है, जटामानसी ब्रेन को ठंडक पहुंचाने का काम करता है, ब्राह्मी क्या कर रहा है वही ब्रेन टॉनिक का काम कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेस से दूर रह जाते हैं, एक बहुत ही अच्छी और शांत नींद हमें आ जाती है। आते हैं आखिरी प्रोडक्ट, मेंस वेलनेस, बस आखिरी 5 मिनट आपसे लेता हूं मैं। मेन वेलनेस, जैसे महिलाओं में 2 हार्मोन ज्यादा है वैसे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स होता है, उसको मेल हार्मोन्स कहा जाता है, और ये जो मेल हार्मोन्स है ये पूरा बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए यानी मेंटल हेल्थ, ठीक है, उसके बाद फिजिकल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये जो हार्मोन है जो 18 से लेके 29 की उम्र तक बॉडी में 100% मौजूद होता है, इसीलिए आप देखिए यंगस्टर जो है 18 से 19 वाले जो लोग है ये कुछ भी हो जाता है ना तो मारा मारी के ऊपर आ जाते हैं, क्यों, खोलता कौन है इनमें, जो क्रांति होती है वो यंगस्टर से करते, क्यों, क्योंकि इनमें उनकी ताकत क्या है, क्षमता क्या है, फटाफट कैलकुलेशन करना, फटाफट डिसीजन लेना, ठीक है, ये इनकी क्षमता होती है। और जैसे 29 साल हो जाता है
हम बोलते हैं मैच्योर्ड हो गए। मैच्योर्ड यानी क्या होता है, इनका टेस्टोस्टेरोन की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर ये क्या करते हैं, आराम से कुछ भी होता है, झगड़ा किसका हो रहा है बीच में नहीं जाएंगे, अगर खुद का किसी का है उसको छोड़ने के काम में करेंगे। लेकिन वही 29 के पहले क्या होगा, कोई भी होने दो, मेरे दोस्त तो ये बोला ये धड़ाधड़ शुरू होते, क्यों, बिकॉज ऑफ 100% टेस्टोस्टेरोन। और धीरे धीरे कम होने की वजह से क्या होता है, एनर्जी कम होना, ताकत कम होना, ब्रेन का काम करना कम होना, साथ ही साथ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं स्पर्म काउंट पे कम होना, ये सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम मेंस वेलनेस ये प्रोडक्ट करता है। और इसके बेहतरीन रिजल्ट आज पूरे इंडिया में हमें आ रहे, पुरुषों की वजह से जिनको बच्चे नहीं हो रहे इनको ये प्रोडक्ट अगर देते है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 100 में से 80 लोगों को इसके बेहतरीन रिजल्ट हमें अभी तक मिल चुके हैं। तो बस इसी के साथ आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। इतना ही बोलना चाहूंगा, हमें डेली न्यूट्रिशन की जरूरत है, ये प्रोडक्ट हमें सब कुछ प्रदान कर रहा है, जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने की ताकत हमारे प्रोडक्ट में। इसके रिजल्ट आप यूट्यूब के जरिए भी देख सकते हैं, या जिसने आपको इस प्रोग्राम में लाया है उसके पास से भी डिमांड करो, आपको रिजल्ट उसके मिल जाएंगे। तो बस इसी के साथ मैं मेरा सेशन यहाँ पे खत्म करता हूँ, और आगे के लिए क्लोजिंग सेशन के लिए मैं नायक सबको यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू परब साहब। परब साहब के लिए पहले हम लोग एक जोरदार ताली बजाएंगे, बोलने की जरूरत ही नहीं है, हम सभी जन क्लैप करेंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग हम लोग कभी एक प्रोग्राम में जाकर के सुनते थे जो 2 से 3 घंटा हमें ट्रैवलिंग करना पड़ता था, लेकिन आज आपको घर बैठे इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में मिला। मैं तो बोलूंगा कि ये ट्रेनिंग लेने के बाद सबसे पहला अभी तक जिन्होंने हेल्थ केयर का प्रोडक्ट चालू नहीं किए हैं वो सभी जन पहले खुद के लिए चालू करें, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे तो ही मार्केट में रन कर पाओगे। और इतने बारीकी से इतने अच्छे तरीके प्लानिंग से आज भरत साहब ने समझाया, और मैं पूरा विश्वास है कि सर आज 600 फैमिली आज हमारे यहाँ पे प्रोग्राम आपको अटेंड किए हुए हैं, 600 फैमिली आज के तारीख में यहाँ पे हेल्दी बनेंगे, तो ये हम सभी के लिए एक बहुत ही गर्व और अभिमान की बात है, क्योंकि इन्होंने इतने बारीकी से आज इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। और यही इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग मार्केट में लोगों से अगर जब बात करेंगे तो हर एक आदमी हमारा हेल्थ प्रोडक्ट यूज करेगा और हमारा देश हेल्दी बनेगा। तो वंस अगेन परब साहब के लिए एक बार जोरदार ताली लेंगे, क्योंकि जबरदस्त इन्होंने ट्रेनिंग दिया हुआ है, जबरदस्त, और इस ट्रेनिंग का बेनिफिट और हम लोग लेने वाले हैं। और इसके लिए अभी हमारा क्लोजिंग भी बहुत करीब है, और क्लोजिंग बहुत करीब है तो हमारा अचीवमेंट भी बहुत करीब है, तो इस अचीवमेंट में हम आपको लोगों को अगर भाग पार्टिसिपेट करेंगे तो ये ट्रेनिंग हमें बहुत महत्व आने वाला है, बहुत ही जरूरी है। और आज अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करने के लिए आज मुंबई में 3 प्रोग्राम हमारा हो रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज गेस्ट को बुलाइए, क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन, सभी गेस्ट को ये प्रोडक्ट की जरूरत है, हर घर में जरूरत है, और ये प्रोडक्ट हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो 2 बजे हमारा एक वेबिनार है, 3 बजे एक वेबिनार है, और एक 5 बजे वेबिनार है। आप ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को इन्वाइट कीजिए और इस प्रोडक्ट को हम लोग घर घर में पहुंचाने का काम करेंगे। तो थैंक यू परब साहब वंस अगेन, आपने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लिए, और उम्मीद करता हूं कि इसका फीडबैक आपको बहुत अच्छा आएगा। और मैं इतना ही बोलूंगा, आपको जो भी एक्सपीरियंस आया हुआ है वो फीडबैक के माध्यम से आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि एक ट्रेनर का सबसे बड़ा ताकत वो होती है उसका फीडबैक, बराबर, ताकि उनको अगर जब फीडबैक हम देते हैं तो उन लोगों को और क्या अच्छा कर सकते हैं वो उनके पर तैयारी लग जाते हैं। तो थैंक यू परब सर, मिलते हैं फिर हम लोग 2 बजे के प्रोग्राम में।